हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास 12th। आज के वीडियो लेक्चर में हम मेंडल्स थर्ड लॉ को फोकस करेंगे। मेंडल थर्ड लॉ, जिसे हम लोग नेम देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट्स। इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट्स लॉ को हम दिखाएंगे, और इस इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट लॉ, इसे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम लोग नेम देते हैं, कहते हैं डाई हाइब्रिड्स, डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग जो दो फर्स्ट टू रोल्स देखे, फर्स्ट टू रोल्स जो फर्स्ट मेंडल्स लॉ था, जिससे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखे, और सेकेंड लॉ ऑफ सेगेशन, ये दोनों जो रूल्स हैं ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड थे, लेकिन ये रूल्स जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंड्स है। तो इसको एक अदर नेम और दिया जाता है, इनहेरिटेंस, इन हेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो इसको ये भी नेम लेते हैं कि इसमें टू जीन्स का हम इनहेरिटेंस देखेंगे, तो इसमें टू कैरेक्टर्स होगा, और ये टू कैरेक्टर्स जो फॉलो करेंगे उसमें हम क्रॉस करा के हम उसमें ऑप्टेन करेंगे कि किस तरह से कैरेक्टर हमको ऑप्टेन हो रहा है। टू कैरेक्टर्स में से है, जैसे हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हम लेते हैं टू कैरेक्टर्स, जैसे हम लेते हैं आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब जैसे देखिए, इसमें टू कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर टू क्या है, एक ये राउंड्स है और सेकेंड येल्लो है, तो ये जो सीड हमारा होगा राउंड एंड येल्लो, ये राउंड्स, बिल्कुल राउंड्स होगा, जिसको हम कंप्लीट बना नहीं पा रहे इसको, तो ये सीड हमारा राउंड एंड येल्लो, इसका कलर जो है ये येल्लो होगा और शेप जो राउंड होगा। सेकेंड हमारा जो करेक्टर्स है जो हम लेंगे, ये हमारा रिंकल्ड होगा एंड ग्रीन, ये रिंकल्ड है और इसका जो शेप है ये रिंकल्ड है और इसका कलर जो है ये ग्रीन होगा। तो ये राउंड येल्लो और रिंकल्ड ग्रीन, तो अगर इसको हम जो है दिखा देते हैं, दैट इज मेल, एंड इसको हम दिखा देते हैं फीमेल्स, तो ये मेल्स एंड फीमेल्स में हमें टू कैरेक्टर्स वाले जो प्रॉपर्टीज हैं हम इसमें क्रॉस कराएंगे। तो इसमें इसलिए इसको हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड्स क्रॉस आर इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स का हम लोग जो है प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे अभी हम यहाँ आपको एक फिगर शो किए डाई हाइब्रिड के लिए, कि राउंड एंड येल्लो दैट इज डोमिनेंट्स, एंड सेकेंड रिंकल्स ग्रीन दैट इज रिसेसिव। तो इसमें ये राउंड येल्लो भी जो है टू कैरेक्टर्स, टू जीन्स हैं, और इसमें भी टू जीन्स हैं। तो इसमें जो है हम ये इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में डाई हाइब्रिड क्रॉस को शो करेंगे, और ये क्रॉस शो कैसे किया जाएगा इसका थोड़ा आउटलाइंस हम लोग जो है एक फिगर वाइज शो करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, यह जो अभी आपको हम एक मैंने फिगर इमेज की बात कर रहे थे, तो हम आ जाते हैं, यह फर्स्ट प्रॉपर्टी है राउंड येल्लो, जो आप यहाँ देख रहे हैं राउंड येल्लो। सेकेंड जो है यह रिंकल्ड ग्रीन से, तो राउंड येल्लो एंड रिंकल्ड ग्रीन्स जो आप देख रहे हैं आर आर एंड वाई वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, दैट इज, इसे हम लोग डोमिनेंट प्रॉपर्टी बताते हैं, और इसे हम लोग जो है रिसेसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो इसमें हमारे जो है टू कैरेक्टर शो कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग क्रॉस दिखाएंगे, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसमें हम सेल्फ क्रॉस शो करेंगे। तो इसका जो जीन्स होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो इसमें हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, तो हमें जो सीड ऑप्टेन होगा वही इस तरह से ऑप्टेन होगा। फर्स्ट जनरेशन में जिसे हम लोग दिखाएंगे
एफ वन जनरेशन, ये एफ वन जनरेशन जो ऑप्टेन होगा दैट इज राउंड येल्लो, ये राउंड येल्लो है क्योंकि कैपिटल आर से राउंड होगा और कैपिटल वाई ये शो करेगा येल्लो को, और इसमें जो रिसेसिव जीन्स हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई होंगे, लेकिन इस ये जो इसका फिनोटाइप होगा ये राउंड येल्लो होगा। अब इसमें हम इसका सेल बैक्रॉस करा के इसको हम ले जाएंगे एफ टू जनरेशन में। अब इसको एफ टू जनरेशन में या जो एफ वन जनरेशन में हमको ये अपडेट हुआ, ये जो देख रहे हैं हम एफ वन जनरेशन के, तो एफ वन जनरेशन का जो ये हमें अपडेट हुआ, अब इसका हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, और सेल्फ क्रॉस कराएंगे तो इसके जो गैमिट्स बनेंगे ये इसको हम एक चेकर बोर्ड पर शो करेंगे इसके गैमिट्स को, और फोर फोर गैमिट्स बनेंगे और इन सभी गैमिट्स को हम चेकर बोर्ड पर शो करेंगे और उसमें हम क्रॉसिंग दिखाएंगे। जैसे आप इस फिगर में देखेंगे जो फिगर में शो किया जा रहा है, हाँ तो स्टूडेंट्स आप इस फिगर में देख रहे हैं, जो फिगर में आपको शो किया जा रहा है, केयरफुली थोड़ा देखिएगा क्योंकि स्क्रीन थोड़ा शॉर्ट है। तो ये हम देख रहे हैं जो सेल्फ मैंने गैमिट्स फॉर्म हुआ, यहाँ गैमिट फॉर्मेशन हुए, अब इसमें हम सेल्फ क्रॉस करा रहे हैं, और इसमें इस साइड ये हम देख रहे हैं जो मेल गैमिट्स है एंड फीमेल गैमिट्स। तो मेल गैमिट्स में भी हमको 1, 2, 3 एंड 4, सेम कंडीशन फीमेल में भी 1, 2, 3 एंड 4, तीसरे से हमको ऑप्टेन हुआ। अब ये क्रॉस हम कराएंगे, जैसे यह इसका है क्रॉस, इससे करा के इसमें राइड करेंगे, फिर सेम वही क्रॉस इसमें राइड करेंगे, फिर इसका क्रॉस इसमें राइड करेंगे, फिर यह क्रॉस करा के इसमें राइड करेंगे। अब वही कंडीशन इसके लिए फॉलो होगा, यह क्रॉस करा के इसमें करेंगे, फिर यह क्रॉस इससे इसमें ऑप्टेन होगा, फिर इसका क्रॉस इसमें ऑप्टेन होगा, और इसका क्रॉस इसमें ऑप्टेन होगा, तीस तरह से हमें ऑप्टेन होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स जो ये आप ये बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे जो ऑप्टेन आपको हो रहा है, जो गैमिट फॉर्मेशन हो रहे हैं, गैमिट फॉर्मेशन क्या देख रहे हैं, दोनों साइड्स, जैसे अभी आपके हम बात किए हैं कि हमारे फीमेल गैमिट्स है, ये हमारा मेल गैमिट्स है, तो मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स जो सेल्फ क्रॉस करने पर, अब ये जो एफ टू जनरेशन हमको ऑप्टेन होंगे, एफ टू जनरेशन में इसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि हमको क्या ऑप्टेन होगा। हाँ एफ टू जनरेशन में ये ऑप्टेन होगी, जिसमें हम यह पॉइंट देख रहे हैं, यह क्रॉस कराने पर जो ऑप्टेन हुआ, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो ये 16 हमको ऑप्टेन हुए, और इस 16 में जैसे हम ये पॉइंट फर्स्ट देख रहे हैं, तो पॉइंट फर्स्ट क्या है, राउंड येल्लो है पॉइंट, क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई। पॉइंट सेकेंड हम देख रहे हैं तो ये भी राउंड येल्लो है। पॉइंट जो थर्ड है, पॉइंट थर्ड की हम बात कर रहे हैं, जैसे पॉइंट येल्लो, ये भी राउंड येल्लो हो गया, इसके बाद ये भी राउंड येल्लो हो जाएगा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ को राउंड येल्लो मिलेगा, और इसके बाद यह राउंड येल्लो हो जाएगा क्योंकि कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसके बाद हम आते हैं इसमें यहाँ राउंड येल्लो हो जाएगा, इसके बाद हम आते हैं इसी पास ये भी राउंड येल्लो है क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई है जो डोमिनेंट है, और इसके बाद अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो यहाँ यह हमको कैपिटल आर कैपिटल वाई मिलेगा राउंड येल्लो। इस तरह से राउंड येल्लो का जो नंबर हमको मिला, यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो राउंड येल्लो हमको मिल गए 9, राउंड येल्लो 9 मिल गया। और इसके बाद हम आते हैं जो है ये जो स्टेप दिखाया गया है, ये पॉइंट्स, ये आपका जो है रिंकल्ड येल्लो है, ये रिंकल्ड येल्लो है क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई येल्लो हुआ है लेकिन स्मॉल आर रिंकल्ड होगा, तो रिंकल्ड येल्लो यह है। और इसके बाद हम आते हैं यह रिंकल्ड येल्लो मिलेगा क्योंकि इसमें कैपिटल वाई है येल्लो और स्मॉल आर रिंकल्ड। इसके बाद हम आते हैं
जहाँ रिंकी डेल्लो हमको और ऑब्टेन हो जाए, हाँ यहाँ यह रिंकी डेल्लो है, तो रिंकी डेल्लो का कंडीशन हमको मिल गया 3। और इसके बाद हम ये पॉइंट देख लेते हैं, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को जो क्रॉस हम अभी कर रहे हैं, तो इसमें ये क्या देख रहे हैं कि राउंड है, कैपिटल आर कैपिटल आर राउंड है, लेकिन जो स्मॉल वाई है तो ग्रीन, तो हो गया राउंड ग्रीन। और इसके बाद फिर हम यह देख रहे हैं तो ये भी राउंड ग्रीन है, राउंड ग्रीन क्रॉस कर दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं तो ये भी हमारा राउंड ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन का जो नंबर हो गया वह मिल गया 3। और इसके बाद ये लास्ट में जो बचा ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, इस पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे, जिससे हम कहेंगे स्मॉल आर है और स्मॉल वाई है, तो ये हो जाएगा रिंकिल्ड ग्रीन। तो रिंकिल्ड ग्रीन हमारे 1 हो गए। इस तरह से यह जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो हमको मिला 9:3:3:3:1, तो ये रेशियो भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह से क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस का भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असर्टमेंट का कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं अपने नोट्स के लिए, कि नोट्स में हम इसको क्या रिटेन करेंगे, कैसे रिटेन करेंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पॉइंट फोकस किया गया है कि इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप्स राउंड्स येलो, रिंकिल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकिल्ड ग्रीन्स अपीयर्ड। तो जो अभी इसके पहले हम रेशियो हम देखें कि राउंड येलो, रिंकिल्ड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकिल्ड ग्रीन, राउंड येलो आप लोग ऑप्टन किए थे 9 और रिंकिल्ड येलो 3 और राउंड ग्रीन जो है ये 3 और रिंकिल्ड ग्रीन जो है 1, जो अभी इसके पहले ऑप्टन किए। इसके बाद हम जो है देख रहे हैं कि इन द रेशियो 9:3:3:1 यही ऑप्टन हुआ था, सच ए रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर ऑफ करेक्टर्स दैट मेंडल स्टडीज। तो यह जो है सेवरल पेयर करेक्टर में मेंडल ने इसको स्टडी किया था। द रेशियो ऑफ 9:3:3:1 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड्स इंस्टू 1 रिंकल्स। दिस डेरिवेशंस कैन बी रिटेन एज फॉलो। अब इसको रिटेन कैसे करेंगे, 3 राउंड्स रिंकल्स और 3 राउंड्स 1 रिंकल्स 1 ग्रीन्स, 9 राउंड्स येलो 3 रिंकिल्ड येलो, इस तरह से हम डिराइव करेंगे। तो इस तरह से जो दिया गया है, जो अभी आप देख रहे हैं, आप फोकस किया जा रहा है कि ग्रीन रिंकिल्ड 1, ग्रीन रिंकिल्स 1s। बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉसेस क्रॉस बिटवीन प्लांट डिफर इन द टू ट्रेड्स मेंडल पासेस ए सेकेंड सेट ऑफ जनरेशंस दैट बी कैन मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असर्टमेंट। द लॉ स्टेट दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन ए हाइब्रिड सेगेशंस ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर पेयर ऑफ द करेक्टर्स।